नमस्कार, जय हिंद। आई सिंधी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इसमें हमारा पहला टॉपिक, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को मिला आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर का अवार्ड। ठीक है, बिहार बोर्ड जिसे हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, तो उसी तरीके से बिहार का जो एजुकेशन बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है? आनंद किशोर। इनको केंद्र सरकार के द्वारा आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर का अवार्ड दिया गया। इसके पीछे का कारण क्या है? तो आपने देखा, कोविड-19 की महामारी आई, लॉकडाउन लगा, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, लेकिन इन्होंने अपने सुधारात्मक प्रयासों को जारी रखा। साथ ही इन्होंने, अभी आपने देखा कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है हाई स्कूल और इंटर का, तो इन्होंने 2020 की जो परीक्षा हुई है सबसे पहले इन्होंने परीक्षा फल घोषित कर दिया। तो इन चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष को आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर का अवार्ड प्रदान किया। ठीक है, तो आप याद रखना, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में है, 2021 का है ये। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कि इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसको जारी किया जाता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। ठीक है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है, हर वर्ष जारी किया जाता है। इसमें आधार क्या बनाया जाता है कि जब इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है तो इसमें ये देखा जाता है कि यहाँ पर पेटेंट का क्या नियम है, किसी देश में कॉपीराइट की पॉलिसी के किससे संबंधित क्या नियम, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित क्या, और उनका व्यवसायीकरण। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब बात करें भारत की रैंकिंग की, तो भारत की इसमें रैंकिंग है 40वीं। ठीक है, 53 इकोनॉमीज में भारत की रैंकिंग कितनी है? 40 है। और सभी इकोनॉमीज को 100 मार्क्स में से मार्क्स दिए जाते हैं, मतलब 100 तक, तो इसमें भारत को कितने मार्क्स मिले हैं? 38.4। ठीक है, इस आधार पर भारत की जो रैंकिंग है वो 40वीं है। अब अगर बात करें इसमें तो टॉप पर कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पर है, और सेकंड नंबर पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम, और थर्ड नंबर पे कौन है? जर्मनी। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। और बाकी अगर यहाँ पर टॉप 5 आप देखना चाहें तो यस हो गया, यूके हो गया, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस है, और फिर जापान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खेलो इंडिया योजना को 2025-26 तक बढ़ाया गया। खेलो इंडिया योजना, आपको पता है कि खेल मंत्रालय के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है, खेलो इंडिया प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो खेल की जो भावना है, आप देखते होंगे कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन उनकी जो खेलने की स्किल है ना, वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, हमारे देश में क्रिकेट को ही क्या मान लिया गया? खेल एक धर्म मान लिया गया क्रिकेट को। ठीक है, जितना लगाव, जितना प्रेम, जितना उत्साह क्रिकेट के प्रति दिखाया जाता है, शायद अगर अन्य खेलों के प्रति भी दिखाया जाता तो हम ओलंपिक गेम्स में मेडल्स लाने से हमें कोई रोक नहीं सकता था। 130 करोड़ की आबादी में हम कितने मेडल्स लेके आते हैं? 2, 4, 6, 8। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, और गोल्ड तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसे खेल को इतना प्रमोट किया जाता है जिसका ओलंपिक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे गांव में देखिए तो ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट ही खेलते हैं, क्योंकि बचपन से उनको घर में यही दिखाया जाता है। क्या कितने बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं? दूसरी बात, ना खेलने के पीछे रीज़न भी है, क्योंकि उन्हें वैसा माहौल नहीं मिलता और गांव में इतनी सुविधाएं भी नहीं होती। फुटबॉल खेलने के लिए उतना जगह चाहिए, मैदान चाहिए, हॉकी खेलने के लिए वैसी चीज़ें चाहिए, सब कुछ, बैडमिंटन खेलने के लिए चीज़ें चाहिए, तो वो सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए भारत सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम लाया था और इस प्रोग्राम को आगे 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर खेलो इंडिया योजना के तहत 8,750 करोड़ की अभी आगे खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ताकि हमारे देश में जो खेल संस्कृति है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, इस कल्चर को एक तरीके से पैदा किया जा सके हमारे देश में। तो खेलो इंडिया जो पहल है, मैंने अभी बताया आपको कि ये इस चीज़ को ध्यान में रख करके शुरू की गई थी कि इससे ज़मीनी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर। इसमें युवाओं की सामूहिक भागीदारी को बढ़ाया जा सकेगा, बच्चों के अंदर खेल की भावना आएगी। ठीक है, खेल को में भी वो अपने कैरियर को बनाने के लिए वो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको शुरू किया गया था। आगे चलते हैं, गोवा में शुरू हुआ हुनर हाट का 28वां संस्करण। ठीक है, तो यहाँ पर हुनर हाट, ठीक है, याद रखना, हुनर हाट का 28वां जो संस्करण है वो कहाँ शुरू हुआ? गोवा में। देखिए यहाँ पर
बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के हुनर हाट के 28वें संस्करण का आयोजन गोवा के पणजी में कला अकादमी में किया जा रहा है, ठीक है। और 26 मार्च से ये शुरू किया गया था और 4 अप्रैल तक चलेगा। हो सकता है आप बाद में वीडियो देख रहे हो, तब तक ये जो हुनर हाट है ये ख़त्म हो चुका हो। इसकी थीम क्या है इस बार, वोकल फॉर लोकल, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और आप भी ध्यान रखें कि आप लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करें। लोकल का मतलब कई बार इस संदर्भ में लगा लिया जाता है कि डुप्लीकेट है ना, गांव में जो लोग नहीं जानते हो कहते हैं लोकल, लोकल का मतलब ख़राब, तो लोकल का मतलब ख़राब नहीं होता, लोकल का मतलब है स्थानीय है, कोई ब्रांडेड नहीं है। लेकिन ब्रांड जो होता है वो भी तो कभी स्थानीय ही रहा होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक बहुत बड़ा ब्रांड अचानक से आके टपक पड़ा, जी नहीं। कोई भी चीज़ होती है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, जैसे सपोज़ आप एडिडास को जानते होंगे, ठीक है, एडिडास एक बहुत बड़ा ब्रांड है स्पोर्ट के क्षेत्र में। लेकिन क्या एडिडास तुरंत ब्रांड बन गया, जी नहीं, वक्त इसको लगा, कभी ये भी लोकल हुआ करता होगा, ठीक है, हुआ रहा होगा, तब जाकर के आज ये धीरे धीरे ब्रांड बना। तो यहाँ पर हम लोकल चीज़ों को प्रमोट करें, क्योंकि इससे ना केवल रोज़गार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी आप अपने क्षेत्र के और उस चीज़ का प्रमोट कर रहे होते हैं और अपने एक तरीके से अपने सम्मान में भी आप वृद्धि कर रहे होते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, इनके अनुसार हुनर हाट देश भर में स्वदेशी कलात्मकता और शिल्प को लोकप्रिय बनाने के लिए एक सही, लोकप्रिय और गर्वित मंच है, ठीक है। 27 मार्च को ये इसका उद्घाटन होगा। तो यहाँ पर देखिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से ज़्यादा कारीगर और शिल्पकार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कलमकारी, बिद्री वियर, मधुबनी पेंटिंग, उदयगिरी की वुडन कटलरी, बेंत बाँस जूट से बने उत्पाद, तुसार्क सिल्क, मूंगा सिल्क, मार्बल उत्पाद, चमड़े के उत्पाद, ब्लैक पॉटरी, हैंडलूम, मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जो चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, जो हाथों से बनाई गई चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होंगी, ठीक है, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा यहाँ पर साउथ इंडियन फूड है, पंजाबी फूड, मलयाली फूड, बंगाली भोजन, इनका भी आनंद लिया जा सकता है। तो एक कंपोजिट कल्चर का पूरा वहाँ पर आपको साक्षात दर्शन देखने को होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। श्रीनगर में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोला गया। ट्यूलिप एक फूल होता है, आपने देखा होगा, गूगल पे आप एक बार सर्च करके देख लीजिए ट्यूलिप के बारे में। तो ये जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, इसको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। ये कहाँ पर है, श्रीनगर में है, ठीक है। और याद रखना, यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। नाम क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ठीक है। यहाँ पर देखें तो यह डल झील के किनारे है, काफ़ी नौकायन यहाँ पर डल झील में काफ़ी ज़्यादा होता है, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। तो यह 30 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है और इसमें 64 से ज़्यादा किस्मों के 15 लाख ट्यूलिप फूल है। ट्यूलिप फूल काफ़ी सुंदर होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं इसके, ठीक है। और यहाँ पर इसे 2008 में खोला गया था, वहाँ पर खेती, फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और ये जो ट्यूलिप के फूल होते हैं, ये मार्च के अंतिम सप्ताह में 15 से 20 दिनों के लिए खिलते हैं, बाकी टाइम ये नहीं खिलते। और 21 मार्च को इसे पर्यटकों के लिए खोला गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम सीक्यूज की ओर। हाल ही में किस राज्य के बोर्ड अध्यक्ष को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, थर्ड ऑप्शन क्या है, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है। अभी अभी हमने बात किया था अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में, तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 40वीं है और पॉइंट कितने मिले थे, 38.4। बिहार का कोई भरोसा नहीं है, वो क्या पूछ देगा, ठीक है। सबसे अगर कोई डाउटफुल है तो वो बिहार का आयोग, मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है, कोई भरोसा उसका नहीं है। तो यहाँ पर बिहार की, सॉरी, भारत की जो रैंकिंग है ये है 40, ठीक है, 40वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खेलो इंडिया प्रोग्राम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, 2021-22, 2022-24, 2024-25, 2025-26। तो आपका सही आंसर क्या है, 2025-26 तक इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुनर हाट के 28वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, दिल्ली, गोवा, गुजरात, मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गोवा में, ठीक है, गोवा में इसका जो हुनर हाट है इसका आयोजन किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो हाल ही में पर्यटकों के लिए खोला गया किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गोवा, कर्नाटका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये ट्यूलिप गार्डन है, इसे खोला गया पर्यटकों के लिए। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।